जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी 2018 के ऊपर, दोस्तों 2018 वाली एसएससी जीडी में जब अभी जो रिजल्ट आया उसके बाद में ज़्यादातर लोगों के ये क्वेश्चन रहे थे, जो एक्स आर्मी मैन की जो वैकेंसी खाली रह गई थी उसके लिए, साथ में वेटिंग लिस्ट और सेकेंड लिस्ट के लिए काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास में आते हैं। आप सबके दिल में भी एक काफ़ी सवाल होगा, जैसे बवाल भी चल रहा है इसकी मेरिट को लेके, उससे भी आपको काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा होगा कि इसकी सेकंड लिस्ट आएगी या वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में मेरे पास में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में वीडियो में बात बताऊँगा, जो इसके बारे में जो नई अपडेट है वो बताऊँगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दोस्तों साथ ही बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और तैयारी कर रहे डिफेंस की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर एक डिफेंस के बारे में अच्छे से, उसकी क्या ड्यूटी है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन, टोटल सभी के बारे में, उसकी सैलरी वैलरी सभी के बारे में जानकारी देता हूँ दोस्तों। तो अब दोस्तों बात करें सबसे पहले कि जो वेटिंग लिस्ट है या जो सेकेंड लिस्ट है इसके बारे में क्या अपडेट है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो 260 कैंडिडेट जिनका विथ हेल्ड में जो रिजल्ट रोका गया है, उनके लिए बता दूं कि उनकी अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वेट किया जा रहा है इनकी ज्वाइनिंग का। लेकिन जो 260 कैंडिडेट है उनको नोटिस आ सकता है, बहुत जल्दी नोटिस उनको आ सकता है, उनको वापस जो जिस वजह से उनका जो ज्वाइनिंग रुका है, जिस वजह से उनका विथ हेल्ड में रखा है, उसका जो रीज़न है वो जैसे किसी का फिंगरप्रिंट मिसमैच नहीं हुआ तो उसको वापस फिंगरप्रिंट मिसमैच के लिए, या किसी की मेडिकल के समय कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए उसको वापस नोटिस भेज के बुलाया जा सकता है, और ये अगले महीने यानी मार्च में ये नोटिस निकल सकते हैं दोस्तों। और उसी समय अगर ये नोटिस निकलते हैं दोस्तों मार्च में, तो ये मान के चलिए कि मार्च के बाद में जैसे 2018 वाले की ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी तब अपडेट हो जाता है कि कितने परसेंट लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया, यानी कितने सीटें कौन सी डिपार्टमेंट में खाली रही। तो हो सकता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस बार जब वेटिंग लिस्ट दे या सेकेंड लिस्ट दे 260 के साथ में, तो अगर इनके पद अगर वो काउंट करते हैं और अगर जोड़ते हैं तो वेटिंग लिस्ट अगर आएगी तो 5800 की नहीं, उसके साथ में जितनी सीटें खाली रहती हैं उनकी भी आएगी। लेकिन होता क्या है कि एक कैंडिडेट को तीन बार अटेम्प्ट किया जाता है ज्वाइनिंग के लिए, एक बार ही नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी कारणवश अगर उसका ज्वाइनिंग डेट रुक जाता है तो उसको तीन बार अटेम्प्ट यानी कोशिश की जाती है हर एक डिपार्टमेंट की वजह से, तो वो अपडेट आने में टाइम लगता है। यानी वो अपडेट आने में टाइम आप ये मान के चलिए कि हर तीन महीने में उसको तीन बार अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम 5 से 6 महीने का, मतलब 2 महीने से अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 6 महीने के आसपास का टाइम लग जाता है। तो अगर वेटिंग लिस्ट आती है, इसीलिए जितनी भी बार वेटिंग लिस्ट आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जैसे आप सभी को पता असिस्टेंट कमांडेंट की, सीएपीएफ, यूपीएससी की कई बार वेटिंग लिस्ट आती है, तो उसमें टाइम लगता है, 1 साल 1.5 साल तक का टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए अगर इस बार भी इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी तो टाइम लगेगा। और जो सेकंड लिस्ट की बात करेंगे, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो सेकंड लिस्ट तो विथ हेल्ड वालों की आनी आनी है, लेकिन जब ये विथ हेल्ड वालों की कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले आपको इसके बारे में 100% क्लियर हो जाएगा कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि इनकी मेरिट जब आएगी, इनका जब क्लियर हो जाएगा मार्च में भेज के, ये मार्च अप्रैल तक इनका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा, और उससे उसी समय तक आपको पता चल जाएगा कि आपके जो इनका जो मेरिट बनेगी उससे पता चल जाएगा कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी दोस्तों तो 5809 पद के साथ साथ में जितने भी पोस्ट इनमें खाली रहेगी वो भी ऐड की जा सकती है। यानी इस भर्ती में अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो 6 महीने का समय आप कम से कम मान के चलिए। अगर 6 महीने का समय कम से कम लगता है तो मेरा कहने का मतलब हमेशा की तरह आज भी ये है कि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो वो तो आ ही जाएगी, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अभी कुछ करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए दोस्तों, ताकि आपका मनोबल भी बढ़ा रहे, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और साथ में अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो आपके पास में सूचना, जैसे चाहे हम बताएं या किसी भी तरह से आपको सूचना मिल जाएगी। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट या कोई भी डिफेंस से संबंधित अगर अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ हमेशा की तरह। तो मैं आपको बता दूंगा कि कब वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और ये मैं आपको बता दूंगा जब विथ हेल्ड वालों का मेडिकल या जिनका जो वेरिफिकेशन चलेगा वापस, एक महीना मार्च के बाद में चल सकता है या मार्च महीने से, तो उसी समय आपको मैं बता दूंगा कि आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि उस समय क्लियर हो जाता है और नई वैकेंसी में ये सीटें ऐड की गई है या नहीं। अगर ये ओल्ड सीटें उसमें ऐड कर दी गई है तो फिर वेटिंग लिस्ट भूल जाना। अगर ऐड नहीं की जाती या सिक्योर की जाती है, हो सकता है कि इस बार सिक्योर रहे, क्योंकि 207 जो विथ हेल्ड वाले हैं उनकी वजह से इस बार इस वैकेंसी में सीटें सिक्योर रह सकती है, क्योंकि उनको पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, उसके बाद में जो नोटिफिकेशन है उसको अलग रख सकते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन 2021 वाली अलग रखी जाए तो आपको फ़ायदा हो सकता है कि वो सीटें फिर 2018 से ही फिलअप की जाती है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नियम है।
अगर वो उसमें ऐड नहीं की जाएगी तो ये भर्ती इसी बार से की जाएगी दोस्तों, और वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी। अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो जैसे मैंने बता दिया कि समय लगेगा, इसलिए आप उसका इंतज़ार ना करें, आप अभी तैयारी पर ध्यान दें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके और अगले SSGD की तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी एज हो गई तो जैसे CRPF में SCM की वैकेंसी आ गई, BSF में SCM की वैकेंसी आने वाली, और SSB में, इनमें सभी में SCM के साथ साथ ट्रेड और ASI पैरामेडिकल स्टाफ की भी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, तो उनके लिए आप तैयार रहिए। और मैं बताता रहूँगा कौन सी वैकेंसी कब आई, वो मेरे दूसरे चैनल फौजी मेहता अकेडमी से आप जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़े हो तो उधर आपको इसके बारे में पता चलता रहेगा दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।